हेलो गाइस, आई एम पीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम आपको एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर समझाने जा रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर में इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे कि उसे अवश्य काम करना चाहिए, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, उसे अवश्य बाज़ार जाना चाहिए, वह अवश्य ही चोर होगा, वह अवश्य ही 20 वर्ष की होगी। इस तरह के सेंटेंसों को बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम प्रयोग करते हैं मस्ट का। मस्ट हमें किसी कार्य की अनिवार्यता दर्शाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, डूअर कार्य करने वाला कौन है, उसके बाद लगाना हमें मस्ट, मस्ट के बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस में शेष बचता है वो उसको पीछे लगा दिया जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है उसे अवश्य यह काम करना चाहिए। तो ही मस्ट डू दिस वर्क, ही मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, उसे अवश्य बाजार जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू मार्केट। अगर सेंटेंस में हमारे क्या इंटरोगेटिव आता है, क्या सबसे पहले होता है, तो मस्ट का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। जैसे क्या उसे अवश्य वहाँ जाना चाहिए, मस्ट ही गो देयर, मुझे वहाँ अवश्य क्यों जाना चाहिए। अब क्यों हमारा क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको हम सबसे पहले आएंगे, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे मस्ट का। तो मुझे वहाँ अवश्य क्यों जाना चाहिए, वाई मस्ट आई गो देयर। कभी कभी हम मस्ट का प्रयोग कल्पना के लिए करते हैं, जैसे कि वह अवश्य ही 20 वर्ष की होगी, तो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि सी मस्ट बी 40, 4 बजे हैं, वह अवश्य ही ऑफिस में होगा, इट इज़ 4 o'clock, ही मस्ट बी इन ऑफिस, राजू अवश्य तुम्हारा भाई होगा, राजू मस्ट बी योर ब्रदर। देखिए, बी का प्रयोग हम जब करते हैं जब इसमें कोई एक्शन ना हो, एक्शन आता है तो हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे। राधा अवश्य ही मोहन के साथ होगी, राधा मस्ट बी विद मोहन, 1 बज रहे हैं, वह अवश्य रास्ते में होगी, इट इज़ 1 o'clock, सी मस्ट बी ऑन द वे, राम ने घर खरीदा है, वह अवश्य धनवान होगा, राम हैज़ परचेज्ड अ हाउस, ही मस्ट बी रिच, धीरज रखो वह तुम्हें से शादी करेगी, हैव पेशेंस या हैव हार्ट, शी मस्ट मैरी विद यू, वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा, ही मस्ट हेल्प यू। अब हमारा है प्रोविजन, प्रोविजन एंड निषेध, निषेध किसी कार्य की मना करना या प्रकार से सलाह देना, तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, छात्रों को बिना अनुमति के कक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले गैम्बल। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।